बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान से मैं अमन, आप देख रहे हैं क्रिकेट भी तुम्हारा साल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। तो फिर अपने अब्बू को देख लिया, मयंक यादव को भाई, इसे कहते हैं पेस, इसे कहते हैं लाइन लेंथ प्लस पेस इज इक्वल टू घंटों पर जो होता है ना किसी भी टीम का पकड़ के भाई, इसे कहते हैं बॉलिंग और इसको कहते हैं प्रॉपर लाइन और लेंथ वाली बॉलिंग। मुझे बता दो क्रिकेट की हिस्ट्री में, मुझे ना, मुझे भाई, मैंने जितनी T20 क्रिकेट देखी है ना, मुझे बता दो किसी बंदे ने T20 में डेब्यू किया हो, T20 में मतलब अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का डेब्यू किया हो, इतनी जबरदस्त लाइन और लेंथ इज इक्वल टू पेस भी, मतलब लाइन और लेंथ। देखो कोई बॉलर आता है डेब्यू करता है, ठीक है जी, लाइन लेंथ बड़ी जबरदस्त है, पेस नहीं होती, लेकिन पेस के साथ लाइन और लेंथ मेंटेन करना और अपने डेब्यू में और पहला ओवर मेंटेन करना और दूसरे में आके विकेट निकालना और घंटा बजाना। अब बात हो रही है पाकिस्तान में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मयंक यादव की। इस टाइम पाकिस्तान में मयंक यादव की हाइप चल गई है कि भाई ये टेपिया, जिसको हम हारिस रऊफ टेपिया कहते हैं, इस फुद्दड़ से 100 गुना बेहतर बॉलर है वो मयंक यादव। उसने अपने पहले कैरियर के मैच में ये बता दिया है कि टेपिया को मैं अपने छनकने पे बिठा के रखता हूं। इसके ऊपर बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे वो जो हमारी जो लड़कियां हैं, रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन इनको क्रिकेट भाई छुड़वा दो, छुड़वा दो। ये जो हमारी लड़कियां हैं, ये इनको फिर पकड़ के इंडिया की लड़कियों ने पेल दिया पकड़ के इनको फिर। किस्मत में हार लिखी हुई है इंडिया से, जीतना कभी हमने इंडिया, क्या हमने कोई युगांडा से नहीं कभी जीतना, हम अपनी शक्लें नहीं देखते और बातें हमने बड़ा करोड़ों की करनी होती, दुकान हमारी बेसिकली करोड़ों की है। मैंने ना सबसे पहले मयंक यादव की बात करनी, ये लड़का IPL में दिखा था, इस लड़के ने तबाही मचा दी थी और मैंने बात की थी इसी स्टूडियो में, इसी जगह खड़े होकर बात की थी कि इस लड़के को मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में देखना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े बॉलर होते हैं, बड़े बॉलर होते हैं जो डोमेस्टिक में, लीग्स में, IPL में बड़ी बॉलिंग करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर वो ठुस हो जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का वो प्रेशर नहीं ले पाते। लेकिन जिस तरह आज मयंक यादव ने बॉलिंग किया है भाई, पहला ओवर किया मैडन, पहला ओवर मेडन किया, मतलब पहले ओवर में तो खेलने भी नहीं दिया बैट्समैनों को, पहला ओवर मेडन किया, दूसरे ओवर में महमूदुल्लाह रियाज, जो भाई बांग्लादेश का एक्सपीरियंस बैट्समैन है, उसको पकड़ के बजा दिया, विकेट निकाल लिया उसकी पकड़ के। आपको मैं बताता हूं, पहले ओवर में तो भाई उसने रन दिए ही नहीं है, पहला ओवर उसका क्या मेडन। आप अंदाजा लगा लो कि यार, यकीन कर लें, इस टाइम मयंक यादव के जितनी पेस और उसकी लाइन लेंथ है ना, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा बॉलर निकाल के दो, मुझे टेपिया निकाल के दोगे, उस यद्दड़ की लाइन और लेंथ कभी देखी है? उस यद्दड़ की लाइन और लेंथ आप देख लेना, जिस तरह की वो लाइन और लेंथ के बॉलिंग करता है, मैं कहता हूँ लानत है इस तरह के बॉलर के ऊपर, वो लाइन और लेंथ उसकी देख लो यार। आप मयंक यादव की लाइन और लेंथ देखो, जिस तरह जिस लाइन और लेंथ से वो बॉलिंग करता है, लाइक पहला ओवर तो उसने मिडन किया, दूसरे ओवर में उसने विकेट निकाली है महमूदुल्लाह रियाज की, उसमें भी उसने सिर्फ 3 रन दिए हैं, मतलब एक बंदा अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहा है और सर सुनते हो आप कि यार जिसकी पेस होती है उसकी लाइन और लेंथ नहीं होती, जिसकी लाइन और लेंथ होती है उसकी पेस नहीं होती, लेकिन ऐसा आपने बड़ा कम सुना होगा कि यार लाइन और लेंथ भी है, पेस भी है, बजा भी रहा है, घंटा भी बजा रहा है, विकेट्स भी निकाल रहा है, पहला ओवर मेडन, दूसरे ओवर में महज 3 रन देना, मतलब 2 ओवरों में मयंक यादव ने सिर्फ और सिर्फ 3 रन दे के एक विकेट निकाल ली थी, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में। और भाई पाकिस्तान में इस टाइम मयंक यादव की हाइप क्रिएट हो चुकी है कि कौन लड़का है ये मयंक यादव, कहां से आया ये मयंक यादव। बेसिकली पाकिस्तानियों के माइंड में बड़ी एक चीज थी कि यार फास्ट बॉलर तो पाकिस्तान से निकलते हैं, फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री तो पाकिस्तान से निकलती है बेटा, अब इंडिया से निकलती है। वो हर्षित राणा देख लो, वो भी जबरदस्त बॉलिंग करता है, आप उसको देख लो, जो है वो मयंक यादव को देख लो आप भाई, अभी तो इनके और बड़े बॉलर हैं जिनको ये खिलाते नहीं हैं, अभी तो इनके और बड़े बॉलर हैं जिनको ये खिलाते नहीं हैं। अभी एक वो उमरान मलिक भी आया था, उसकी थोड़ी लाइन लेंथ का मसला था, लेकिन ये मयंक यादव की लाइन और लेंथ और प्रॉपर बंदा है, मतलब आगे मैं ये कह सकता हूँ कि आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके इस लड़के का नाम आएगा। मैं ना इसके बॉलिंग फिगर आपको बताता हूँ,
चार ओवर में 21 रन दिया इसने अपने पहले इंटरनेशनल मैच में, जिसमें एक मेडन किया और एक विकेट भी निकाल लिया। कोई भी बंदा क्रिकेट खेलने वाला, कोई लेजेंड फास्ट बॉलर ले आओ, वो मयंक के इस बॉलिंग फिगर के ऊपर उठ के तालियां बजाएगा, कि एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। किसी भी एक बॉल में भी नहीं लगा कि यार लड़के का रिदम टूट रहा है, या लड़का एक पेस के साथ बॉलिंग डाल रहा है तो भाई उसकी बॉल नहीं जा रही, प्रॉपर लाइन और लेंथ की बॉल कर रहा था। और मैं आपको उसकी बॉलिंग बताता हूं, पहले ओवर में तो प्रॉपर मेडन, दूसरे में सिर्फ 3 रन देना, एक विकेट निकालना, तीसरे ओवर में उसको मार पड़ी है, तीसरे में उसको जो है वो थोड़े रन पड़ गए हैं, मतलब एक छक्का पड़ा, 2 चौके पड़े हैं, ठीक है। आपको T20 क्रिकेट में अगली टीम भी खेलने आई होती है, T20 क्रिकेट में आपको एक ओवर लग जाता है, लेकिन आप ये देख लो, एक ओवर लगने के बावजूद भी उसकी जो इकोनॉमी है वो अंडर 6 है। इस पे आप गौर करें, इस चीज पे आप गौर करें, ओवर लग गया एक 14 कितना लगा है, 15 का एक ओवर लगा, 15 रन का एक ओवर लगा, उसके बावजूद उस लड़के की इकोनॉमी अंडर 6 है। इसका क्या मतलब है कि वो लड़का जब उसको मार पड़ती है तो वो पैनिक नहीं करता। ऑन द नेक्स्ट ओवर दोबारा 3 रन दिए हैं उसने, ऑन द नेक्स्ट ओवर दोबारा वो 3 रन देखेगा, क्योंकि मेरा सही ना होता तो वो मार खा लेता, मेरा टेपिया होता तो वो 2 बालू में भाई 25 खा जाता और भजवा जाता और अंदर चलवा जाता। क्योंकि हम कहते हैं कि टेपिया से बड़ा बॉलर इस टाइम दुनिया में है ही नहीं है, तो भाई टेपिए को ना इसकी तरह बॉलिंग दिखाना है। ये मयंक यादव ने जिस लाइन लेंथ के साथ आज बॉल डाला है, जिस पेस के साथ, यकीन कर लें, मैंने इस बंदे का जब पहला ओवर देखा है ना, पहला ओवर मैंने बड़ी गौर से देखा है, क्योंकि मैंने इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार देखना था। उस बंदे के माइंड में या उस बंदे के फेस एक्सप्रेशन से कहीं भी प्रेशर वाली चीज तो लागी नहीं थी रही। अभी कुछ पाकिस्तानी घंटे, कुछ 2 टके के लॉकडाउन की पैदावार आके बोलेगी, और 150 से ऊपर तो बाल नहीं ना डाली और 1 घंटे के, बांग्लादेशियों से तो 150 नहीं खेला जा रहा, सामने ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड आई ना तो बेटा 160 वाला घंटा भी बजाएगा वो, इतना वो जबरदस्त बॉलर है। उसकी जो एवरेज पेस है पता है कितनी है, 140। पाकिस्तानी बॉलर 140 बॉल का अपनी फास्टेस्ट बॉल नहीं फेंक रहे, और उस मयंक की एवरेज बॉल जो है वो उसकी 140 है। हाईएस्ट बॉल आज भी उसने तकरीबन 150 की मारी है, आज भी उसने हाईएस्ट बॉल मारी है। 4 ओवरों में 21 रन, 1 विकेट, 1 मेडन अपने इंटरनेशनल डेब्यू में, इससे जबरदस्त डेब्यू क्या ही हो सकता है। पेस सेंसेशन, हाइप क्रिएट कर दिया दुनिया में इस टाइम। आप ट्विटर खोल कर देख लो, जो भी क्रिकेट का बड़ा फास्ट बॉलर होगा, बड़ा नाम होगा, वो ट्वीट मार रहे हैं इस लड़के के ऊपर, यार क्या बॉलिंग कर दिया इस लड़के ने, हिला के रख दिया पूरी क्रिकेट को, इतनी जबरदस्त बॉलिंग, मतलब बिग थिंग है, नेक्स्ट बिग थिंग आ रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में। भाई बंदे को पहली बॉलिंग से, पहले ओवर से जज कर लिया जाता है, और हमने जज कर लिया कि ये नेक्स्ट फ्यूचर स्टार है, ये वो चीज है जो इस टाइम वर्ल्ड मिसिंग कर रहा था, कि यार एक वो बॉलर आए शुएब अख्तर की तरह 80 बॉल निकाल रहा है, इधर से बॉल निकाल रहा है, ये वो चीज है। बस मैं भाई को कहता हूँ थोड़ी सी लुक चेंज कर ले, लंबे बाल कर ले, ऐसे वैशी वाली लुक लेके आगे मार बाल और बजा घंटा, आगे बंगाली आते हैं जो मर्जी आता है बजा दे घंटा, और इसको तीनों मैच में हर जगह हर तरीके की बॉलिंग करवाओ, मेरा टेपिया, ओए टेपिया को छुड़वा के कहीं ना टीवी के आगे बिठा दो, और टेपिया को बोलो कि भाई इस मयंक यादव के 4 ओवर देख, और अपने 4 ओवर देखा कर, फिर अपने मुंह पर लानत भेजा कर कि मैं किस तरह की बॉलिंग करता हूँ और ये किस तरह की बॉलिंग करता है। मतलब बंदा प्रॉपर, उसको पता है भाई लेंथ पे जबरदस्त बॉल कर रहा है, उसको पता है मैंने यॉर्कर उसने बड़े जबरदस्त किए हैं, मतलब T20 क्रिकेट में यॉर्कर की गेम होती है, और यॉर्कर वो ऐसे मार रहा था बिल्कुल पटीक जगह पे, यॉर्कर पड़ रहे थे, खेले नहीं थे जा रहे, फिर उसने जो वाइड यॉर्कर भी किए हैं, बॉल अंदर भी ला रहा था, वो मुंह पे भी मारने की उसने कोशिश की है, इवन के 2-3 तो उसने बाउंसर भी करवाए, और बांग्लादेशी तो ऐसे ही हो रहे थे, वो तो भाई उनको समझ नहीं थी आ रही है अब हम किसके पल्ले पड़ गए हैं। पहले ओवर में तो उसने हिला दिया था बंगालियों को, तो भाई सबसे पहले तो मयंक यादव के लिए क्लैपिंग, इंडिया को वो चीज मिल चुकी है जो इस टाइम जसप्रीत बुमराह के साथ दुनिया में, इसका भी अब नाम लिया जाएगा कि यार एक पेस सेंसेशन है इंडिया के पास, और वो तबाही मचा रहा है। बाकी मजा आया देख के लड़के को,
और बाकी भी अच्छी बॉलिंग की अवरिंद चक्रवर्ती ने, बाकी ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आज मयंक यादव का दिन था आज, उसका डेब्यू था, हम उसकी उसी पे बात करेंगे। और यह स्पेशल वीडियो भी उसी को डेडिकेट की जाती है कि यार बच्चे ने, लड़के ने बता दिया कि भाई बन जाओ मेरे फैन, और मैं तो बन गया हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ नए स्टूडियो में उसकी इसकी भी एक तस्वीर लगा दूँ, बाकी वो हमारी लड़कियां क्या कर रही हैं, हमारी लड़कियां क्या कर रही हैं, अब क्या कर रही हैं हमारी लड़कियां, मुझे बता दो ना। हमारे लड़के इंडिया से हार रहे हैं, हमारी कबड्डी वाले इंडिया से हार रहे हैं, हॉकी वाले इंडिया से हार रहे हैं, फुटबॉल वाले इंडिया से हार रहे हैं, हर चीज हम इंडिया से हार रहे हैं, फिर अपना कंपैरिजन इंडिया से क्यों करते हो, फिर अपना कंपैरिजन क्यों करते हो, मुझे बता दो क्यों करते हो कंपैरिजन, जब जीत नहीं पाते, जब कंपीट नहीं कर पाते, तो भाई चुप करके साइड पे बैठ जाकर, मैंने कभी किया कंपैरिजन, मुझे पता है इनकी औकात ही नहीं है इतनी कि ये हरा सके, वो इंडिया की लड़कियों ने फिर पकड़ के इनको बजा दिया, वो और गुल फिरोजा बाबर आजम की तरह उसकी शक्ल है, तो भाई परफॉर्मेंस भी तो उसकी घंटे की तरह ही है ना, परफॉर्मेंस भी तो उस लुपड़ की तरह है ना उसकी, शेम ऑन यू। ये लड़कियों को तो मैं कहता हूँ, ये लड़के हमारे तो लड़के भी कुछ नहीं, सबसे पहले ये लड़कियों की क्रिकेट खेलना तो बंद करवाओ, वो कोई ब्यूटी पार्लर वाली बाजी है, कोई गुल फिरोजा है जी बाबर आजम के साथ उसकी शक्ल मिलती है, कोई कुछ नौसरबाजियां छोड़ दो, मतलब यार बाजी बाजी क्रिकेट छोड़ दो, बाजियो छोड़ दो क्रिकेट, ये आपका आपका काम नहीं है, ये हमारे लड़कों से नहीं खेला जा रहा, तो आप किस तरह खेलोगे। बाकी वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, अपना पूरा तैयार रखिएगा यार, अल्लाह हाफिज़।